हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं। इस वीडियो में लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पर आया है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन आमंत्रित हैं और मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊँगा। यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं हैं, बट डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी ब्राउजर में nalsa.gov.in/vacancies/29 लिखकर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। इसमें आते हैं तो विभिन्न पद की हम बात करें तो विभिन्न पद हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। और इसके लिए अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात करें तो ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सेक्शन ऑफिसर का एक पद है और सैलरी जो है 47,600 से लेकर 151,100 रुपये हैं। और एक पद है, यह जो पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे हैं, तो इसमें जो डिटेल जानकारी की बात करें यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन दी पेरेंट कैडर या डिपार्टमेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस पे लेवल L7 के अनुसार होना चाहिए, या और हैं कि 6 ईयर का रेगुलर सर्विस लीगल पे लेवल 6 लेवल का होना चाहिए इस पद के अनुसार, और जो सैलरी है 4,200 लेवल का होनी चाहिए। अकाउंटेंट के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी 35,400 से लेकर 112,400 रुपये हैं, ग्रेड पे 4,200 हैं, और इसमें हैं होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन दी पेरेंट कैडर या हैविंग 6 ईयर रेगुलर इन पे लेवल 5, 2,800 का एक्सपीरियंस 6 ईयर का होना चाहिए रेगुलर सर्विस रिलेटेड, या 10 साल का एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस रिलेटेड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 4 के अनुसार होना चाहिए। इस तरह से यह क्वालिफिकेशन दी गई है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये हैं, ग्रेड पे 2,800 हैं, और क्वालिफिकेशन में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट या LDC इन लेवल 2 इन दी पे मेट्रिक लेवल 19,900 से लेकर 63,200, ग्रेड पे 1,900 का एक्सपीरियंस, कम से कम रेगुलर सर्विस का 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पद के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए सैलरी जो है 25,500 से लेकर 81,100 हैं, ग्रेड पे 2,400 हैं, और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 8 साल का रिलेवेंट सर्विस एक्सपीरियंस पे लेवल 2 के अनुसार और ग्रेड पे 1,900 के अनुसार होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 3, 2,000 ग्रेड पे के अनुसार पे लेवल 3 के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश है और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन है, और प्रोसेसिंग डिग्री यानी बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। अब अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि यानी जो अप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की जो अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2023 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। यह जो नोटिफिकेशन है काफ़ी दिन पहले आया था और वीडियो अब बन रहा है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करें। अब अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इसी में एडवर्टाइजमेंट में यहाँ से एनेक्जर ए हैं जो फिल करके आपको सेंड करना है, तो यह अप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसी अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको सेंड करना है। तो यह तो डिटेल जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल जानकारी जो हो सकता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी हम बात करते हैं। तो यह अप्लीकेशन शुल्क हो गई, हम देख रहे हैं इसमें कहीं अप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं लग रहा है। जैसे कल मैं जो वीडियो बनाया था इसमें अप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो पद है डेपुटेशन बेसिस पे है और इस पद के लिए कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। बट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सभी आपको इसमें अटैच करना है। एज लिमिट अधिकतम की बात करें तो 56 साल एज लिमिट निर्धारित की गई है, 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 15 जुलाई 2023 को 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एनेक्जर 1 भरकर आपको फिल करना है। तो फ्रेंड, इसी तरह का अपडेट होनी वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। यह जो वैकेंसी है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में